अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई बहुत मजे का व्लॉग है, इतनी डिसेंट फेस है। हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया, वो आप लोग देखें। और अब देखो जी नेल्स और मंगवा लेने इसी दराज, तो लेकिन अभी तक मैंने लगाए नहीं है क्योंकि नमाज पढ़नी होती है और माशाल्लाह आगे पीछे तीन चार नमाजें हैं, तो मुझे फिर होता है कि क्या बंदा लगाए। और ईशा की नमाज के बाद फिर हिम्मत नहीं होती कि नेल्स ला के बंदा बैठ जाए, तो है लगाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है नेल्स। तो ये देखिए जी, मोहम्मद कासिम के लिए आ गया था बन्नू पुलाव, साथ में इसू ने भी खा लिया था। मैंने भी थोड़ा टेस्ट किया था, बहुत मजे का था। फ्रेश बन्नू पुलाव है, जीटी रोड एसान बन्नू पुलाव। तो लगेगा वेखो ना लिखे हुआ चपली कबाब भी है, लेकिन हम लोगों ने शायद इनका चपली कबाब कभी भी नहीं खाया। और आयरा ने तो ये टेस्ट भी नहीं किया था क्योंकि इसमें भी बोटियां बहुत ज्यादा थी, अगर सिर्फ राइस राइस होते तो वो खा लेते। खैर उसने कह दिया था जो उसने खाना था, अभी जब हम जाएंगे खाना खाने और वापसी पे आयरा के लिए ले आएंगे। और आज बर्थडे डिनर करने सिर्फ मैं और यासर गए थे, और आयशा के बगैर तो इम्पॉसिबल है ना कि हम लोग जा सके। तो आप लोग देखे हम लोगों ने डिनर में क्या खाया। मैंने ये तो आपको बताया नहीं कि डिनर, सॉरी बर्थडे डिनर किसका है भाई, यासिर का बर्थडे। लास्ट ईयर तो मैंने डिनर सरप्राइज दिया था ना यासिर को, जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों को पता है, मैंने बहुत अच्छा सा एक बर्थडे डिनर अरेंज किया था और इतना अच्छा सा सरप्राइज दिया था, बहुत मजा आया था। लेकिन इस साल ऐसा वैसा कुछ नहीं किया क्योंकि भाई अब हम लोग बड़े हो गए हैं, अब हम बच्चों के लिए बस करेंगे जो करेंगे इंशाल्लाह। और अगर आप लोग वो सरप्राइज डिनर की वीडियो देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देती हूँ, आप लोग जरूर देखें। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और फौरन मेरी वीडियो देख लें। ये देखें जनाब, यहाँ हमने किया था बर्थडे डिनर, दैट्स व्हाई बच्चे हमारे साथ नहीं आए थे, उन्हें यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जो हमने खाया है वो आयराइजा को नहीं पसंद, मोहम्मद कासिम तो खाता है लेकिन उसने बन्नू पुलाव खा लिया था। अच्छा मजा आ रहा है। इनकी चटनी भी अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने लियास दुम्बा से दुम्बा कढ़ाई खाई और वापसी पे आयरा के लिए चौमिन ले आए। फिर आयरा इजू ने ये भी खाया, मतलब इजू ने थोड़े से राइस भी खाए थे और आयरा के साथ चौमिन भी खाया। अल्हम्दुलिल्लाह बर्थडे बहुत अच्छा गुजर गया भाई, इसी तरह मनाना चाहिए बर्थडे। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, उन सारे यहाँ नाश्ता तो सीखोगे डिफरेंट डिफरेंट, सब माओ का भाई ये काम होता है। मैं हर वीडियो में तकरीबन आपको बताती हूँ कि माँ को बच्चा जो कहता है खाना है, माँ वो बना बना के देती जाती है। दुनिया में 99% पेरेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ अपने बच्चों के लिए लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं और उनके फ्यूचर के लिए। तो बस अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छे बनाना से मैं भी इधर मेहनत कर रही हूँ, बल्कि आज काफी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती हूँ, व्यूज इतने कम होते हैं। इतनी मेहनत से वीडियो बनानी होती है, वॉइस ओवर करना होता है, अपलोड करनी होती है, सारा कुछ पता है ना भाई आपको, अक्सर मैं बताती हूँ। उस तरह से व्यूज कलेक्ट नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा व्यूज की जरूरत है, अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर्स की जरूरत है। इसलिए जनाब जो नए लोग हो मेरी वीडियो पे, तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कुछ बिल नहीं आएगा, वादा तोड़े ना, तो जरा भी बिल नहीं आएगा। बस जरा वाई फाई लवाया या मोबाइल डाटा यूज कर दो, उतो तुम मेरे
मेरी एक वीडियो देखी करनी है, रोजाना तो आजकल अपलोड नहीं करती, जब आप लोग अच्छे अच्छे व्यूज देना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं भी रेगुलर हो जाऊंगी। भाई एक बात और, मैं काफी दिन से आपको एक दो दफा बता चुकी हूँ कि मेरे चैनल पे ना थोड़ा डिफरेंट कॉन्टेंट होने वाला है। मैं ना यूट्यूब के साथ एक और काम शुरू करने वाली हूँ जो कि मैं रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के साथ शेयर किया करूंगी, तो इंशाल्लाह बताती हूँ 2-3 दिन तक। क्योंकि जनाब यूट्यूब के साथ तो 2 साल हो गए मुझे वर्किंग करते हुए, लेकिन एक आने का फायदा नहीं होया। खैर वक्त के साथ होगा इंशाल्लाह, ये तो मुझे यकीन है, लेकिन फायदा होने की जरूरत मुझे अभी से थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलें छोटे से पैमाने पे एक काम शुरू करते हैं जिसका फायदा इंशाल्लाह हमें साथ साथ मिलेगा। मेहनत का फल तो मिलता है ना भाई, और इंशाल्लाह ताला वो फल ऐसा है जो साथ साथ मिलेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थे मैं किचन में आ गई, साथ थोड़े से गेस्ट आने लगे थे हमारे घर, रेनबो से मैंने ये ग्रोसरी मंगवा ली थी जो चाहिए थी चीजें आज खाना बनाने के लिए, ये मटन चॉप्स मंगवा ली थी, साथ में मैंगोस थोड़े से कि चले कोई सलाद बना लेती हूँ, लेकिन मैंने फिर सलाद बनाया नहीं, राइस भी गो दिए थे। तो चले अभी आप देखें मैं खाने में क्या बनाती हूँ जो इतने से टाइम में बनेगा, क्योंकि अभी तकरीबन 7 बजे का टाइम था तो इस टाइम कॉल आई थी कि गेस्ट आ रहे हैं, 7 से 9 बजे के दरमियान मैंने खाना प्रिपेयर करना था, 9 बजे गेस्ट उड़ जान दिए थे फिर बड़ा मसला होता है। तो खैर चलो तुम नाल नाल रहो, देखो मैं खाने में क्या बनाती हूँ और मेहमान कौन आ रहे हैं वो भी मैं भी आपको बताती हूँ। ये भी काफ़ी दिन पुरानी वीडियो है, लेकिन बर्थडे से नेक्स्ट डे की है, 24th को यासी का बर्थडे होता है, 25th सितंबर की वीडियो है, तो आप अभी दिन दादा कर ले, 15 दिन पुरानी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। रात में देसी घी भी बना रही थी मैं, और चिकन का कीमा मैंने वैसे बनाया था रेगुलर खाने में, जो मतलब अगर गेस्ट बनाते तो सिर्फ हम लोगों ने वो खाना था, और यासिर ऑफिस है तो भूख लगी हुई थी, तो फिर असी केक रस चाय दे नाल खा ले, अभी भी मेहमान नहीं आए थे, मेहमान आ गए थे 8:30 तक नीचे आए थे, 9:30 ऊपर आए थे, तो बस जो भी हमारे घर आता है जारी बात है पहले नीचे बैठना होता है फिर ऊपर आना होता है, तो इधर मैंने और यासी ने चाय के साथ केक रस खा लिया। अच्छा भाई ये मीर बेकरी के अलावा केक रस आजकल अल सईद बेकरी के भी बहुत जबरदस्त हैं, आप लोग जरूर ट्राई करें। नहीं जनाब इधर हमारा खाना रेडी है माशाल्लाह, और आज मैंने फिश भी मंगवा ली है, फिश वाली डिश मैं नहीं लाई थी ना तो बस उसमें मैंने सर्व करना था, और फिश की वजह से ही मैंने कोई स्वीट नहीं साथ मंगवाई और ना ही बनाई, आपको पता है दूध वाली चीज़ फिश के साथ नहीं खाई जाती लेकिन अक्सर खा लेते हैं हम, ये कीमा है जो हमने खाना था अगर मेहमान आते, तो बस साथ में ये चीज़ें मैंने बना ली थी, फ्राइड चिकन था, शामी कबाब थे, फ्राइड फिश थी, और साथ में चिकन पुलाव था, और मटन चॉप्स का मैंने कोरमा बना लिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खाना रेडी हो गया था, और मेहमान जो आए थे वो हैं जी या जो कि फेमस यूट्यूबर हैं, और साथ में मेरी छोटी भाभी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने यहाँ खाना खा लिया। होपफुली मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से कंटेंट के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।